मुरादाबाद के थाना मंझोला क्षेत्र में देर रात अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने सपा नेता दीपक चौधरी उर्फ मंत्री पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। सपा नेता को कई गोली लगने की सूचना है, जिसे गंभीर हालत में इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उक्त सपा नेता को 2017 में भी उसी थाना इलाके में गोली मारी गई थी। उनके साथ हुई दूसरी घटना के बाद से सपाइयों में गुस्सा है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। थाना मंझोला में एक युवक है जिसका नाम दीपक चौधरी है, जिसपे गोली चलाए जाने की बात संज्ञान में आई है। इसे अभी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, जहाँ पे इसका इलाज कराया जा रहा है। जिस घायल व्यक्ति ने अभी जो बताया गया है कि इसके पूर्व में किसी व्यक्ति के साथ मुकदमा चल रहा था, इसमें कुछ नाम भी बताए हैं जिसपे जाँच की जा रही है। इसमें जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार विधि